दुनिया के इतिहास में भारत शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां एक कपड़े को आजादी के संघर्ष में औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। गांधी जी ने कहा था, चरखा तो बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन चरखा शास्त्र भी बनाकर रखा है। जब तक वो चरखा शास्त्र नहीं बना था तब तक हमको पता नहीं था कि चरखा में कितनी शक्ति है। आज तो मेरे जैसे आदमी तो कह लेता है कि चरखा में शक्ति इतनी बड़ी है कि हिंदुस्तान को तो आजादी दिला सकता है और सारी दुनिया दे दे तो सारी दुनिया को आजादी दिला सकता है। इसको भी जानने की जरूरत है कि गांधी ने खादी को क्यों अपनाया और फिर इसको क्यों बढ़ावा देना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें रोजगार, सर्वाधिक रोजगार लोगों को देने की क्षमता है खादी में। जैसे कृषि में सर्वाधिक रोजगार आज भी लोग पा रहे हैं, इतने मतलब कि आधुनिकीकरण, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी सबसे ज़्यादा लोग की जीविका कृषि पर आधारित है, उसी तरह से खादी में बे इंतहा रोजगार की संभावना है। भोजन, कपड़ा और मकान, यही बुनियादी तीन समस्याएं हैं और इन तीन समस्याओं में ही सबसे ज्यादा सर्वाधिक रोजगार है। खादी का अर्थ है हाथ से काटा और हाथ से बुना रेशेदार कपड़ा। देश में अमूमन कम ही लोग ये जानते हैं कि खादी सिर्फ कपास से ही नहीं, रेशम और ऊन से भी तैयार होती है, जिसे रेशमी खादी या ऊनी खादी के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति की गोद से निकली खादी सूत काटने, पूनिया बनाने, रंग रोगन, कपड़ा बुनने और सिलने जैसी कई क्रियाओं के माध्यम से लाखों लोगों को काम और अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर भी देती है। खादी एक कपड़ा मात्र नहीं है, यह मेहनत और स्वाभिमान की निशानी भी है। जंगल के शांत वातावरण से जुड़ी है रेशमी खादी की जन्मगाथा। ओस की बूंदों में डूबे हुए इन्हीं अर्जुन के पेड़ पर पलने वाले नन्हे कीड़े अपनी लार से तैयार करते हैं ये गोटीनुमा कुकून। पेड़ पर कुछ दिन पकने के बाद रेशम उद्योग से जुड़े किसान इन कुकून को इकट्ठा कर सुखा लेते हैं और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड या केंद्रीय रेशम बोर्ड को बिक्री कर अपनी जीविका अर्जित करते हैं। यहां से ये कुकून खादी के उत्पादन में लगी हुई संस्थाओं की खरीदी के बाद उनके गोदाम तक पहुंचता है। बाद में गांव की महिलाएं रेशम के धागों को कुकून से निकालने का काम करती हैं, जिसमें कुकून की डंडियों को अलग करना, कुकून को कास्टिक सोडा डालकर गर्म पानी में उबालना और पांव से मसल कर ठंडे पानी से धोना शामिल होता है। अलग की गई डंडियों से बलकल सूत तैयार किया जाता है। ये डंटल से आपको बलकल सूत तैयार होता है। अब बलकल सूत का जो कपड़ा बनता है, जाड़े के समय में इसका अधिक मांग होता है क्योंकि ये गर्म होता है। कुकून से निकले धागे दो तरह के होते हैं। मोटे धागे को कटिया कहा जाता है और महीन धागे को तसर। महीन धागों की कताई रेलिंग मशीन पर होती है तो कटिया धागों को महिलाएं पैडल चरखे पर काटती हैं, फिर वोबिन से परेता में इन धागों को लपेटकर गुच्छे तैयार कर लिए जाते हैं। तीन हजार साल पहले चीन में जन्मे रेशम के आविष्कार का श्रेय रेशम की देवी यानी
मिथकीय पीले सम्राट की पत्नी शी लिंग शी को दिया गया है। दूसरी शताब्दी में हान राजवंश के दौर में मशहूर सिल्क रूट के आधिकारिक रूप से खुलने के बाद इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी आई। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में चिनांशुक शब्द चीन के रेशम के लिए ही कहा है। कपास के पौधों से खादी कपड़ों के गठन का अपना ही एक रचना संसार है। तुर्कों के आगमन के बाद सूती कपड़े के निर्माण में नया अध्याय जुड़ा, चरखा। भेद बता दे ये कातने वाली नार, बन जायो बन। सदियों से भारत की धरा पर चरखे के लोकगीत आम जनमानस की जुबां पर रहे हैं। अरे मैं सुनियो रे ये कचूबो, विरा में सुनियो बेटी जायो बाप जी चरे करो, भेद बता दे ये। इससे पहले सूत काटने का काम तकली से किया जाता था। पौधों से रुई निकालने के बाद तैयार पुनियों के बंडलों को चरखे पे लगाया जाता है, फिर इसे तकवों पर कुछ इस तरह लपेटा जाता है कि इससे महीन सूत बनाया जा सके। गांधी जी ने चरखा और खादी को बरतानी सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने का प्रतीक बनाया था। वो पेटी चरखा आज के युग में लोहे से बना 8 या 24 तकवों के चरखे में तब्दील हो गया है। सोलर चरखा भी इस नए युग की ही इजाद है। इन सूती धागों के गुच्छों को एक जगह इकट्ठा कर बीट करने के बाद बुनकर को बुनाई के लिए दे दिया जाता है। सूत की धुलाई, माड़ी और तानी करने के बाद उस धागे को बुनकर बीम में लपेट करघे पर चढ़ाता है, फिर भरनी के लिए सूत से वोबिन की भराई की जाती है जिसे शटर में लगाया जाता है, और उसके साथ ही बोई और रीड के छेद में धागे को पिरो भी लिया जाता है। लूम पर इस वोबिन में लपेटे हुए सूत से बुनाई की प्रक्रिया एक मेहनत भरा काम है। शटर से निकले हुए इस सूत को ही भरनी कहा जाता है, यानी बाना। इससे थान की शक्ल में कपड़े का निर्माण होता है। कपड़ा मूलतः ताना और बाना का संगम है। थान को बुनकर वजन कर उत्पादन विभाग को देता है, जिसके बदले में उसे बुनाई की मजदूरी मिलती है। कपड़े के नामकरण में जिस सूत की तानी होती है उसका नाम पहले आता है, बानी का बाद में। जैसे मालवरी कटिया मटका है, कटिया कटिया है, गरद मालवरी है, तसर बापदा है, मटका मटका है, तसर तसर है, तसर और एक एक धागा जो है कॉटन है, इसमें एक धागा कटिया है, एक धागा जो है मटका है। ये तसर कटिया है, मैंने एक धागा जो है तसर का है और जो काला ऐसा दिखाई दे रहा है कटिया है। 100 अंक से कम यदि का कटाई होता है तो सूती खादी के रूप में जाना जाता है। 100 अंक से यदि ऊपर कटाई हो जाता है तो उसको मसलिन खादी हम कहते हैं। सूती खादी मोटा होता है, रुखरा होता है, मसलिन खादी जो होता है वह बारीक होता है। इसी तरह सूती की तानी और रेशम की भरनी से जब कपड़े तैयार होते हैं तब उन्हें वाफ्ता कहा जाता है। ये थान धुलाई और कैलेंडरिंग होने के बाद सेंट्रल स्टोर से होते हुए आउटलेट स्टोर में बिक्री के लिए पहुंच जाता है। हम अपना बना हुआ माल को इंडिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मांग करती है हमारे
क्वालिटी को पसंद करती है तो वो हमारे यहाँ से ले जाता है। उनको क्वालिटी को अगर हमको पसंद होता है तो उनका क्वालिटी को हम लोग भी मनाते हैं। यहाँ कस्टमर को भी हर एक तरह का कपड़ा चाहिए, कस्टमर का मान भी अलग अलग होता है। इतनी सदियों के बाद आज भी ये सूत कताई लाखों भारतीयों की जीविका का साधन है। नई तकनीक और नए क्लेवर में ज्यादा से ज्यादा सूत का उत्पादन और रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार चरखे पर नए नए प्रयोग कर रही है। ऐसे डिजाइन के अंबर चरखों से कताई की जा रही है जिससे हेरिटेज खादी को वाजिब दाम देकर कामगारों के हाथ मजबूत किए जा सकें। खादी आजादी के 70 साल बाद आज भी अपने गौरव गाथा से पूरी दुनिया को विस्मृत और प्रेरित कर रही है। 19वीं सदी में अंग्रेजों के हाथों पूरी तरह से तबाह कर दिए जाने से पहले तक भारतीय सूती और रेशमी कपड़ों का दुनिया में कोई सानी नहीं था। हर आदमी की आवश्यकता की पूर्ति तो प्रकृति कर सकती है, मगर लिप्सा की नहीं। एक आम धारणा है कि तेल और कोयला प्रदूषण के सबसे बड़े कारक हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मिल में बने कपड़े दुनिया के 5 सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक हैं। अकेले ब्रिटेन में 3,00,000 टन कपड़े हर साल लैंडफिल में डंप किए जाते हैं। कपड़ों से धोए गए माइक्रोफाइबर नदियों और महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण का एक बड़ा कारक बन गया है। कपड़ों के कारखाने से छोड़े गए रसायनों ने जल और जमीन पर मौजूद जीवन के लिए खतरा खड़ा कर दिया है। आज बाजार में उपलब्ध ज्यादातर कपड़े पॉलिएस्टर, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल धागों से बने होते हैं। जहां मिल का 1 मीटर कपड़ा तैयार करने में 53 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, वहीं खादी का 1 मीटर कपड़ा केवल 4 लीटर पानी के इस्तेमाल से तैयार हो जाता है। पेट्रोलियम से जो हमारे वस्त्र बन रहे हैं, बनाने की प्रक्रिया में ही क्लाइमेट को बहुत सारा नुकसान उससे पहुंचता है, क्योंकि उसके प्रदूषित जो पानी जा रहा है हमारी नदियों को बर्बाद कर रहा है, पहनने के दौरान हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अभी जो जल का संकट है उसमें भी, उस विचार से भी अगर हम देखते हैं तो खादी उपयोगी है और इसका बनाना ज़्यादा सहज और सुगम है। खादी का उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि यह तो ना बिजली पर निर्भर करता है और ना ही आबोहवा में कोई जहर घोलता है। जहां मिल में बने कपड़े भाग दौड़ भरे बेचैन समाज की पहचान है, वहीं इको फ्रेंडली खादी एक एहसास है शांति और सुकून का। खादी जैसे मुफीद कपड़े का लक्ष्य स्वस्थ और विषमुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना है। खादी का कपड़ा पहनने से कोई स्किन डिजीज नहीं होगा। नौजवान वर्ग है, खास करके जो डिजीज से, स्किन डिजीज से जो परेशान रहता है, डॉक्टर के सलाह को मानते हुए खादी जो है खरीदता है। और योर तसर का पहचान है कि जितने पुराना कपड़ा होंगे धोते जाएंगे तो उसकी चमक बढ़ती जाती है। इसलिए खादी के बारे में कहा जाता है कि खादी को एक बार जो अपनाता है वो जीवन भर उसको छोड़ता नहीं। पंडित नेहरू ने
खादी को हिंदुस्तान की आजादी का गणवेश कहा था। आजादी के बाद 1957 में खादी का प्रचार प्रसार, विकास और खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्राम और उद्योग आयोग यानी KVIC का गठन किया गया। बदलते समय में जब फैशन, स्टाइल और ट्रेंड चरम पर है, तब लुक को बेहतर बनाने और खादी को यंग इंडिया की पसंद के अनुसार ढालने के लिए खादी इंडिया ने निजी उत्पादकों के साथ हाथ मिलाया है। ऑन द एज पर रहने वाले युवाओं के लिए बाजार में नवीन किस्म की फैब्रिक डिजाइन के साथ नए आउटफिट की पेशकश की जा रही है। नए रंग, पैटर्न और बनावट के साथ कॉस्ट इफेक्टिव और यूजर फ्रेंडली खादी अब फैशन में शुमार होती है। आज फैशन सर्कल में खादी इंडिया की ब्रांडिंग इसकी मिसाल है। नौजवान वर्ग खादी की ओर प्रेरित होकर के खादी खरीदना शुरू कर दिया। नौजवान वर्ग कहता है कि जो खादी पहले होता था, जो कि ओल्ड एज के लोग पहनते थे, वैसा आप खादी नहीं देखते हैं। नए डिजाइन फैशन के हिसाब से अभी खादी को उतारा जा रहा है। पूरी तरह हाथों से बनी और जैविक रंगों से सजी खादी हर मौसम के लिए आरामदायक, टिकाऊ व आकर्षक है। आजादी के पहले जो खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन, अगर इसको हम बढ़ावा देते हैं तो वो भी गांव, गरीब, सामान्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखता है। इन बातों के साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम खादी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस मुहिम को अगर हर भारतीय की आवाज मिल जाए तो यह कारवां देश में एक नई क्रांति का बिगुल बजा सकता है। खादी का अतीत यदि कबीर के चरखे पर गाती इस देश की संस्कृति में झलकता है, तो खादी का भविष्य हमारे स्वरोजगार के प्रयासों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु हमारी प्रतिबद्धता पर टिका है। धीरे धीरे सरकार का जो संरक्षण था इसके प्रति, जो आजादी के बाद से धीरे धीरे उत्तरोत्तर कमते चला गया है। अगर मनरेगा को खादी के साथ जोड़ा जाता तो ज्यादा उचित था। ठीक है, कृषि के साथ जुड़ाव बनता है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ जहाँ खादी ग्राम उद्योग का काम चल रहा है तो उसकी कटाई के साथ और बुनाई के साथ मनरेगा को भी जोड़ा जाता है, तो उसमें हजारों लाखों लोगों को काम मिलता है। इसे देखते हुए अगर देश के सरकारी कर्मियों में खादी पहनने का नियम लागू हो और कृषि से ग्राम उद्योग को जोड़ दिया जाए तो हम एक बेहतर हिंदुस्तान की तस्वीर बना सकते हैं। खादी के भविष्य की यात्रा निर्भर करेगी हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय सोच पर कि हम आर्थिक विषमता को पाटने के लिए कौन सी दिशा तय करते हैं। भारत गांव और छोटे छोटे कस्बों का देश है। बढ़ते मशीनीकरण के मद्देनजर भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में खादी की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि इस देश में खेती के बाद कपड़ा उद्योग सबसे अधिक रोजगार देने वाला व्यवसाय है। खादी
खादी के रूप में आत्मनिर्भर समाज बनाने का एक बहुत सरल रास्ता हमारे सामने है। जहां पश्चिम हमारी आध्यात्मिकता से प्रभावित है, वहीं खादी की अहमियत और सुधारवादी असर से अनजान हमारी युवा पीढ़ी उनकी चमक दमक से। शायद इस बात से अनजान कि उसके साथ के बगैर ताने बाने की दुनिया अधूरी है। युवा का देश है और युवा को ही आगे चलकर के नेतृत्व देना है, उसको कैसा समाज बनाना है, कैसा गांव बनाना है, कैसा देश बनाना है, उसको सोचना पड़ेगा। आगे देश को तो विकेंद्रीकरण की ओर जाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जानी पड़ेगी, और लोकतंत्र को हमको मजबूत करना है, समृद्ध करना है, तो निश्चित तौर से गांव में ग्राम सभा को अधिकार देना पड़ेगा, पंचायत को पूरी तरह से अधिकार देना पड़ेगा, और फिर जो चौखंबा राज डॉक्टर लोहिया ने कहा था, परिकल्पना को साकार करना पड़ेगा, और ग्राम स्वावलंबन जो गांधी का था, ग्राम स्वराज्य जो गांधी की कल्पना थी, उसको कायम किए बिना न खादी को बचा सकते हैं, न इस लोकतंत्र को बचा सकते हैं। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में मलाबार के मसाले, सूती और रेशमी उद्योगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अगर प्राचीन भारत विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश था, तो उसके इस खोए हुए गौरव की पुनः प्रतिष्ठा सभी भारतीयों का कर्तव्य है। खादी जितना बढ़ेगी, भारत का विकास उतनी ही तेजी से होगा। एक उम्दा लिबास एक उम्दा सोच की पहचान है। एक नए और स्मार्ट इंडिया के लिए हमें भी अपनी सोच को एक नया अमली जामा पहनाने की जरूरत है। ये बात याद रखनी चाहिए कि खादी वही पहनते हैं जो बराबरी और समानता में भरोसा रखते हैं। देश में खादी से बढ़कर कोई कपड़ा है ही नहीं। लोगों ने इस खादी के महत्व को समझा है कि खादी क्यों पहनना चाहिए। हमको तो लगता है कि विश्व में शायद भारत ही ऐसा देश है जो खादी बनाता है। उस पैरहन का एहसास भारत की रूह का एहसास है। खादी नई ऊंचाइयां तभी छू पाएगी जब युवा पीढ़ी इसके इतिहास को जानेगी, इसके पीछे के दर्शन को समझेगी और इसे अपनाने में गौरव और सम्मान महसूस करेगी।